नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए बिहार की बात। आज बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, मगर चर्चाओं में वो ही रहे जो बीते कई दिनों से चर्चा में थे। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। चर्चा ये थी कि नैतिकता और जिम्मेदारी समझते हुए विधानसभा के सत्र में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, लेकिन नैतिकता और जिम्मेदारी कहीं ताक पर पड़ी है, तेजस्वी यादव नहीं लौटे और अब इस बात से लालू प्रसाद यादव भी बहुत नाराज हैं। तेजस्वी भी किसी जिद पर है, नहीं आ रहे। आज जब राबड़ी देवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जहां भी हैं अपना काम कर रहे हैं और जब आएंगे तो सबको पता लग जाएगा, लेकिन सैलरी बिहार सरकार की उठा रहे हैं और काम किसी और की करते हैं, ये कैसा काम हुआ भाई साहब? राष्ट्रीय जनता दल में आपको अहम जिम्मेदारी जरूर मिली होगी, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष का बंगला मिला हुआ है एक पोलो रोड और जो वेतन महीने महीने आपके खाते में पहुंच जा रहा है, जिससे शायद आप दिल्ली में कहीं ठहरे होंगे, वो बिहार का पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिससे आपके जेब भरे जा रहे हैं। तो जो सबसे ज़रूरी काम आपको दिया गया है वो पहले करना का आपका दायित्व होना चाहिए। जब नेता प्रतिपक्ष अपने पिछले बंगले में थे तो उसमें एसियां तो खूब ठोकवा ली, हालांकि उसे अब भवन निर्माण विभाग ने जायज भी कह दिया, लेकिन उस बंगले के लिए किस तरह से अड़े हुए थे, जरा उस दलील को याद करिए जो आप देते थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद है, वो CM के बाद सबसे बड़ा पद है और नेता विरोधी दल होना पूरे विपक्ष के नेता होने का दायित्व है। अब शायद ये दलील आपको याद नहीं आ रही और आप तो लालू प्रसाद यादव के उसूलों को भी भूल गए। चाहे हालात कैसे भी हुए, चाहे बातें कुछ भी हुई, लालू प्रसाद यादव अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। पहले दिन से जब लालू प्रसाद यादव छात्र आंदोलन का हिस्सा हुए, तब से संघर्ष की जो घड़ी है वो कितनी कठिन रही, यह कम से कम तेजस्वी तो जानते होंगे, या फिर वो लोग जिन्होंने लालू की आत्मकथा पढ़ी है गोपालगंज टू रायसेना, वो जानते होंगे कि लालू कैसे परिवार से आते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो बड़े कहाँ हुए, छात्र आंदोलन में जब शामिल हुए तो खाने को पैसे नहीं होते थे, फिर भी आंदोलन का हिस्सा रहे, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, एक ही कपड़ा हर रोज पहना करते थे, मगर जब वो लालू प्रसाद यादव नायक बने और उनकी राजनीति ऊपर उठी और बड़े पद पर पहुंची तो उनके लाल, जिन पर अब राजद भरोसा जताती है, वो आए। बचपन से चांदी की चम्मच में खाने का सौभाग्य मिला और फिर राजद के मुखिया की गद्दी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में राजद का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। तेज प्रताप जो बड़े बेटे हैं वो अपनी बयानबाजियों और अपने काम के कारण, उन्हें यह दायित्व नहीं दिया गया, फैसला लालू प्रसाद यादव का था, कुछ सोच समझ कर किया होगा, लेकिन तेजस्वी को यह दायित्व मिला। लोकसभा चुनाव में जगह जगह घूमकर महागठबंधन का नेतृत्व किया और महागठबंधन तो 2020 यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें अपना नेता मानने को तैयार है, फिर भी जो महागठबंधन के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो नदारद हैं। कहाँ हैं यह अभी भी रहस्य है। भारत में है यह इसलिए पता है क्योंकि IRCTC मामले में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। एक वरिष्ठ नेता राजद के हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं तेजस्वी यादव लंदन गए हो वर्ल्ड कप देखने, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े रहे तेजस्वी। ऐसा सच नहीं हुआ। राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कहीं अज्ञातवास में अपना इलाज करवा रहे हैं। कौन सी बीमारी है उन्हें
जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, या फिर इलाज करवा रहे हैं तो कोई परिवार का उनसे मिलने क्यों नहीं जाता, उनका देखभाल क्यों नहीं कर रहा है, यह एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन चिंता बिहार की भी है, बिहार के आम जनता की भी है, जहाँ पर चमकी बुखार ने 150 से ज़्यादा बच्चों की जिंदगियाँ लील लीं। और इस तरफ बात करें मगध के क्षेत्र में, तो लू का प्रकोप ऐसा हुआ कि उधर भी 150 से अधिक लोग अपने जीवन को त्याग देते हैं। इन दो बातों के अलावा बिहार ऐसी कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है जिसके बारे में आवाज़ उठाना या सरकार को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। मगर जिनके ऊपर यह दायित्व है, जिनके कंधों पर यह दायित्व है, वही नदारद हैं। तो बिहार की जनता के पास अब एक ही विकल्प है, वो है सरकार। विपक्ष पे अगर भरोसा करना हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिर भी सरकार पर ही भरोसा करना होगा कि आज नहीं तो कल से ही सुधार होंगे। बच्चों के मौत का जो सिलसिला चला आ रहा है, जो अब कुदरत की वजह से ही कम हुआ है, वह थमेगा अगली बार के इस साल में, साल के इस वक्त में। ऐसा ना हो, आप कुदरत से प्रार्थना कर सकते हैं, सरकार इसको लेकर के कुछ करे। आप सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं, आप सरकार को अपनी वोट का डर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम नहीं तो और कौन, और कोई विपक्ष दिखता नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो उसके सबसे बड़े नेता हैं, वो तो खुद लापता हैं। आज तो सत्र भी शुरू हो गया, और हर बार जब सत्र शुरू होता है और वो विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, तो वो आंकड़े निकाले जाते हैं कि बिहार विधानसभा के सत्र के एक दिन में कितने लाख रुपए खर्च हुए। हर एक विधायक को उनके महीने का वेतन समय से पहुंचता है। हाँ, हमारे सरकारी कर्मचारियों को नहीं पहुंचता है, मुझे वो भी पता है। शिक्षक परेशान है, अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनके हालात भी बहुत दयनीय हैं, मगर विधायकों की सैलरी समय से पहुँच जाती है, और नेता प्रतिपक्ष को भी उनकी सैलरी, उनके गार्ड्स की सैलरी, उनको मिला हुआ बंगला, बंगले के साथ मिला हुआ अलाउंस, वो सब चीज़ समय से पहुंच जाता है, मगर फिर भी दायित्व इतना नहीं समझा जाता कि वो अपने काम को पूरा करें। आप उन लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए जो सरकार से कुछ उम्मीदें रखते हैं, जो सरकार को अपना विरोध दिखाते हैं, जो विपक्ष से यह उम्मीद करते हैं कि उनके विरोध को सदन के पटल पर, सदन में उठाया जाए, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए, ये लोग अपना काम ही ठीक से नहीं कर रहे। कांग्रेस पहुंची जब, लेकिन उससे पहले एक बात का और जिक्र कर दें, केसी त्यागी ने चुटकी लेते हुए कहा आज कि अब हमसे सदन में सवाल कौन करेगा। जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, जदयू भाजपा लोजपा को भी पता है कि ये मौज का वक्त है। हालांकि सदन में शोक मनाया गया, जो मौतें हुई हैं उसको लेकर के, जो निधन हुई थी उसको लेकर के, साथ ही साथ जो नेता इस दौर में, इस दिनों में गुजर गए, उनको लेकर भी शोक प्रस्ताव किया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच विपक्ष की गैर मौजूदगी एक मुद्दा बनी रही। कांग्रेस के विधायक इन बातों को लेकर, इन मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखे सदन के, विधानसभा विधानमंडल के कैंपस में। राबड़ी देवी से जब दोबारा मीडिया ने पूछा कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, उन्होंने कहा आपके घर में हैं। मेरे घर में तो नहीं है, शायद किसी और पत्रकार के घर में होंगे, और होंगे भी तो क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि बिहार के बड़े फैसले किसी पत्रकार के घर से तो नहीं लिए जाते, वो जहाँ से लिए जाते हैं, जहाँ जाने के पैसे उन्हें मिलते हैं, वहाँ वो नहीं पहुँचे हैं। और रवैया भी आप देख लीजिए कि कैसा है। एक व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने दायित्व से भाग रहा है, कारण का कोई अता पता नहीं। एक वाजिब कारण भी हो तो उसे माना जा सकता है, लेकिन कारण का कोई अता पता नहीं है। वो किसी से बात नहीं करते। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन उसमें शामिल नहीं होते, और आज सदन की कार्रवाई को सभापति के अभिभाषण के बाद स्थगित किया गया। अब सोमवार से यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सरकार जो कुछ भी काम कर रही है, वो उन बातों को सदन में रख कर आगे बढ़ाएगी। जो बिल्स पास होने, उन्हें रखा जाएगा। विपक्ष के हंगामे के भेंट, इस बार बिहार विधानसभा का सत्र का दिन नहीं शुरू होगा। आप सिर्फ इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं कि उसके लिए जो पैसे बिहार सरकार के खजाने से खर्च होते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि विपक्ष होता हुआ दिखता नहीं।
एक सरकार है जो पिछले 15 साल से है, बीच में कुछ दिन नहीं भी रही, कुछ कम भी कह सकते हैं आप, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई सरकार एक लंबा वक्त गुजार लेती है उसके बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि जनता के बीच नाराज़गी होती है क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। बिहार में हर जगह अपराध हो रहे हैं धड़ल्ले से, बाकी विकास कार्यों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो लोग विपक्ष में एक उम्मीद देखते हैं, जो पक्ष है वो विपक्ष के होने से एक डर देखती है कि मैं अच्छा काम करूं नहीं तो वो यहाँ हो जाएगा और हम वहाँ पहुँच जाएंगे जो विपक्ष का स्थान है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सरकार से उम्मीदें करें कि सरकार अच्छे काम करे, आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। विपक्ष की क्या भूमिका होती है, सोमवार से जब सदन शुरू होगा, सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें हमारी नज़र बनी हुई होगी। हर खबर हर अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे हम। सदन की कार्रवाई की भी हर तस्वीरें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे लाइव भी करें। आप बने रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिहार की बात में बस इतना ही।